सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज करिश्मा। आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में एवरीडे मेकअप लुक फॉर ड्राई स्किन। जैसे कि विंटर्स आने वाले हैं और सभी को चाहिए कि उसका मेकअप बहुत ही हेल्दी, ग्लोई और पैची ना लगे, उसी से रिलेटेड मैं आज ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। आप देख सकते हो पास से कितना प्यारा और बहुत ही अच्छा मेकअप लुक आज मैंने क्रिएट किया है और बहुत ही कम प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं मेरे फेस में। आप इस लुक को कहीं पे भी क्रिएट करके जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अगर आप बाहर जा रहे हो तब भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन है जिसमें विटामिन ई है एंड इट्स गिव यू अ स्मूथ स्किन, रिलीव्स ड्राई स्किन कंडीशन, काम सनबर्न स्किन एंड कीप योर स्किन हाइड्रेट। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद थोड़े टाइम आपको वेट करना होता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है आपके स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए एंड वो भी सेटल हो जाए। सो स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ प्लम कैंडी मिल्ट वेगन लिप बाम और इसे भी मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपने लिप्स पे। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। इसमें जो मेरा शेड है वो 03 है, बट आपको इसमें 3 कलर्स मिल जाते हैं। ये देखने में आपको व्हाइट लग रहा होगा बट लगाने के बाद बिल्कुल भी व्हाइट नहीं लगता है और मैं इसे अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लूंगी एंड यू कैन सी माई स्किन इज ग्लोइंग। ये एक पोर फिलिंग का काम नहीं करता है बट आपके स्किन को बहुत हद तक एक स्मूथ बनाता है और ये आपके स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर का स्टिक फाउंडेशन इन द शेड कॉर्न पन्ना और मैं इसे अपने फेस पे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए वहाँ पे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैप टैप करके ब्लेंड कर लूंगी। और जैसे कि आप लोग को पता है विंटर ड्राई स्किन के लिए मैं आज ये मेकअप कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा फाउंडेशन हम अप्लाई नहीं करेंगे। आप देख सकते हो कि फाउंडेशन ब्लेंड होने के बाद ऐसे लग रहा है कि लाइक योर स्किन, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये फाउंडेशन और आपके फेस को भी बहुत ही ज्यादा ग्लोई करता है और आपके फेस को एक नेचुरल लुक देता है जो कि हमें चाहिए। कंसीलर के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर इन द शेड C10। अगर आपको लग रहा है कि जहाँ जहाँ आपके फेस में कलर प्रॉब्लम्स है या आपको रेडनेस है आपके आईज के अराउंड में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है जो आपको मीडियम टू हाई कवरेज प्रोवाइड करता है और इसका जो फिनिश है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे भी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। आपको ऐसे लगना चाहिए कि आपका पूरा फेस एक इवन टोन हो। कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं शुगर का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ और उसका जो स्पंज है उसी से मैं अपने आईज को सेट कर रही हूँ और बहुत ही ज्यादा नेचुरल लुक चाहिए आज हमें क्योंकि विंटर्स के लिए ये मेकअप है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पिक नहीं कर रही हूँ। जस्ट मुझे लग रहा है जहाँ जहाँ सेट करना है दैट्स इट, मैं उतना सेट कर रही हूँ आज। अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ डेली लाइफ फॉरएवर 52 लॉन्ग वेयर आई लाइनर टैटू। पहले मैं एक स्पूली की हेल्प से इसे ब्रश कर लूंगी, देन मैं ड्रॉ कर लूंगी। इसमें आपको 2 कलर्स मिलते हैं, आई थिंक इसमें एक ब्लैक कलर है और एक डार्क ब्राउन। मैं डार्क ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। Using Makeup Revolution Reload in the shade Take a Vacation. इसे मैं bronzer brush की help से अपने cheeks और nose को अच्छे से bronze कर लूंगी। ब्लश के लिए आज मैं ले रही हूँ एक पिंक शेड का लिपस्टिक और इसे मैं अपने फिंगर के हेल्प से डैप डैप करके जस्ट ब्लेंड कर लूंगी ताकि एक नेचुरल लुक लगे। आज मैं कोई भी पाउडर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही हूँ ब्लश के लिए। आई शेडो के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ निक का पैलेट और इसे मैं एक लाइट ब्राउन शेड को लेकर अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर लूंगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी इस शेड को। के ब्यूटी की हाइलाइटर पैलेट से एक शिमरी शेड को पिक कर लूंगी अपने फिंगर के हेल्प से और अपने पूरे आईलाइट पे अप्लाई कर लूंगी। यहाँ पे कोई हार्श लाइन ना लगे इसीलिए मैं एक ब्रश के हेल्प से दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आज मैं कलर सेंस का लाइनर यूज कर रही हूँ और एक थिन विन लाइनर अप्लाई कर लूंगी मैं।
कलर के हेल्प से मेरे लैशेस को कर्ल कर लूंगी और यूजिंग दिस लॉरियल पेरिस मस्कारा, और इसे भी मैं अपने लैशेस में दो कोट कर लूंगी। लिपस्टिक के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ शुगर का लिपस्टिक मैट एज अ हेल्प क्रेयॉन लिपस्टिक इन द शेड 21 रोज टेलर, और ये बहुत ही अच्छा पिंक शेड है। मेरे मेकअप को सेट करने के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ निक्स का प्रोफेशनल मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जस्ट डैप डैप करके जस्ट सेट कर लूंगी मेरे फेस को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाइलाइटर। हाइलाइटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सेम के ब्यूटी का हाइलाइटर ले रही हूँ और अपने नोज पे और चीक्स में अप्लाई कर लूंगी, जस्ट एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशमेंट मिलने के लिए और आपका जो स्किन है बहुत ही ज्यादा ग्लोई लगने के लिए। और या सो दिस इज माई फाइनल लुक। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का ये मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है karishmastream8055। सो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेक श्योर एक लाइक तो जरूर बनता है, और हो सके तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज करिश्मा स्ट्रीम। So bye bye and see you in my next video.